लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी घोषणा की है। वहीं इस लिस्ट के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिर संगठन में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट में लंबे समय से खींचतान चल रही है। ऐसे में लोग नई नियुक्तियों की सूची में गहलोत और पायलट के कट्टर समर्थकों के नाम ढूंढ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नई कार्यकारिणी में गहलोत गुट को पायलट गुट से ज्यादा तजव्वो दी गई है। इस लिस्ट में साफ नजर आ रहा है कि सचिन पायलट के बजाय अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि गहलोत का कुनबा यानी कि समर्थकों की संख्या पायलट समर्थकों से कई गुना ज्यादा है। दूसरा, पार्टी के सबसे सीनियर और अनुभवी नेता होने के कारण गहलोत सरकार के मुखिया भी है, इस नाते गहलोत समर्थकों की ज्यादा संख्या है। इस लिहाजे से नई नियुक्ति की सूची में गहलोत समर्थकों को ज्यादा तजव्वो दी जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि नई नियुक्तियों में सचिन पायलट समर्थकों को नजरअंदाज किया गया है। जुलाई 2020 में गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले पायलट के कट्टर समर्थक कांग्रेस विधायक हटाना और दर्शन सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं 48 महासचिवों में भी कई नेता पायलट समर्थक हैं। इसके साथ ही 121 सचिवों की सूची में भी कई नेता पायलट समर्थक हैं। जुलाई 2020 में अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने से पहले पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सरकार में उप मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन बगावत के दिनों में कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को इन पदों से बर्खास्त कर दिया। तब से पायलट एक सामान्य विधायक है। हालांकि अभी भी केंद्रीय नेतृत्व पायलट को विशेष महत्व देता है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पायलट को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष स्थान मिलने वाला है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।